अनाथ आश्रम चलाने वाले पति पत्नी को हुई आजीवन कारावास। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के शकुंतला अग्रवाल के नाम पर अनाथ आश्रम चलाने वाली समाज सेविका एवं वकील शैला अग्रवाल और उनके पति के एन अग्रवाल को अनाथ बालिकाओं से मारपीट तथा दुष्कर्म करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा ने सुनाई है। शिवपुरी जिले से मोनू प्रधान की रिपोर्ट। और माननीय न्यायालय द्वारा जो इस प्रकरण में बहुत ही कुल मिला के कुल 39 गवाह इसमें एग्जामिन कराए गए थे एग्जीबिशन द्वारा, और उन 39 गवाहों का पूरी साक्ष का परीक्षण करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आज इस स्तर पर पहुंची है। तो इसके अंदर सभी जो विक्टिम थी वो 6 थी बालिकाएं, और उनके था एक इसमें मृत हो गई और 6 की उसके अंदर मतलब कुल मिला के 7 काउंट में सजा आई। तो इसमें क्या सजा आई है? मुख्य सजा तो आजीवन कारावास है, शेष सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। 54 का, 376 के जितने भी में से काका टाक ढा तो दोनों इस पिता पुत्री दोनों को समान धाराओं में सजा। हाँ, पिता को मूल धाराओं में जो 76 में दी गई है और शैला अग्रवाल को जो सजा दी गई है वो सजा एविटमेंट में दी गई, मतलब दुष्प्रेरण में। अच्छा।